सिमरिया प्रत्याशी अभय मिश्रा के समर्थन में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों ने ली कांग्रेस की सदस्यता। जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों ने कांग्रेस की जीत का लिया संकल्प। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा के समर्थन में विभिन्न नेताओं और पदाधिकारियों के कांग्रेस में शामिल होने का दौर बरकरार है। शनिवार की सुबह काफी संख्या में भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और स्पार्क्स के विभिन्न पदाधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए अभय मिश्रा की जीत का संकल्प लिया। इस दौरान मौजूद सभी पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए अभय मिश्रा की जीत जरूरी है। कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का सक्रिय एवं धुआंधार जनसंपर्क प्रचार अभियान तेजी के साथ जारी हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी श्री मिश्रा ने आज कटकी, बगढ़ा, पटना, पटेहरा, बागढ़ा, दुबे, गुहिया, मझियार आदि गांव में जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान इन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस बार का चुनाव न्याय और अन्याय के बीच होने जा रहा है। पिछले 5 सालों के दौरान जिस तरह से क्षेत्र की जनता मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई, कर्मचारियों को जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया, अब वह स्थिति दोबारा न आने पाए, इसलिए कांग्रेस को जीत दिलाना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। इन्होंने कहा कि पूरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर आदमी उससे परेशान है। मझियार गांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सरपंच शिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने एक साथ संकल्प लिया है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र इस बार कांग्रेसमय रहेगी। कटकी गांव में भी इसी तरह एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता जवाहरलाल द्विवेदी की अध्यक्षता में कई गांव के मौजूद प्रबुद्ध जनों ने आश्वस्त किया है कि इस बार भाजपा प्रत्याशी को यहाँ से लोग करारा जवाब देंगे। सैकड़ों ने ली कांग्रेस की सदस्यता। शनिवार की सुबह भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और स्पार्क्स से जुड़े कई पदाधिकारी ने अपनी पार्टियों से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ली। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई क्षेत्रीय प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल रहे। अपने बयान में इन पदाधिकारियों ने कहा कि वो कांग्रेस और पार्टी प्रत्याशी की मजबूती के लिए संकल्प के साथ काम करेंगे तथा सिमरिया क्षेत्र में ऐतिहासिक विजय श्री हासिल करेंगे। द खबरदार से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।